हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 से 5 साल की बेबी के लिए शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास इस तरह से कपड़ा है, ये मेरे पास बिल्कुल बचा हुआ कपड़ा है, तो इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। जिस साइड से आपका ज़्यादा बच रहा है आप उस साइड से उसे 4 फोल्ड कर सकते हैं। तो इस एक ये मेरी बेबी की शॉर्ट है, तो इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले इसे बन साइड में रख लेंगे। ये इसकी बन साइड है कपड़े की, ये बन साइड में हम इसे रख लेंगे। इस तरह से हम इसे रख लेंगे। ये जो इलास्टिक की पट्टी है ये भी इसके अंदर ही ऐड हो गई है, और ये जो नीचे बचा हुआ जो भी कपड़ा है हम ये पूरा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो मैनी की जगह है, आसन की जगह, ये हम गिन लेंगे कितनी है। तो ये जो इसका ऊपर का कपड़ा है इसको हम यहाँ तक एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मैं इसे यहाँ तक इसे एक्स्ट्रा ले लूँगी। और ये जो मैनी की हमारी जगह है तो इसे हम गिन लेंगे, तो ये 10 इंचेस है पूरी। तो यहाँ से गिनते हैं हम 10 इंचेस। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर हम 10 इंचेस गिनते हैं। अगर आप घेर इसका इतना ही चाहते हैं तो आप घेर भी गिन सकते हैं, तो आप घेर गिन लीजिए। तो यहाँ पर ये 8.5 इंच घेर है इसका, हम इसे हटा देते हैं। तो हम इसे 9.5 इंच रखेंगे क्योंकि ये हमारा कुछ सिलाई में चले जाएगा। तो यहाँ से ये 9.5 इंच यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पर हमारी ये मैनी है, हम इसे 1 इंच अंदर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम सीधी लाइन लगा लेंगे, तो ये हमारी सीधी लाइन हो गई है। और ये जो मैनी है हम इसे थोड़ा सा राउंड शेप कर लेंगे। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से ये हम राउंड शेप कर लेंगे, और यहाँ जहाँ तक हमने इसका घेर लिया है यहाँ तक हम इसे सीधे मिला लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इसे मिला लिया है, और यहाँ से ये मैनी हमारी कट होगी। अब हम इसको यहाँ से कट करना शुरुआत करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल शॉट है, इसे काटना और सिलना दोनों भी बहुत आसान है। तो देखो फ्रेंड्स, ये कटिंग हमारी हो गई है, बिल्कुल सिंपल कटिंग है, कुछ भी नहीं किया है इसमें मैंने एक्स्ट्रा। दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ से ये मेरी बन साइड थी इसीलिए मैं इसे काट ले रही हूँ। तो ये हमारी दोनों साइड से अलग हो गई है। हमारी जो बेल्ट का हम कपड़ा ऊपर से जोड़ते हैं ये भी इसमें ऐड हो गया है, तो हमें ऊपर से इसे जोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी शॉर्ट्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो मैनी की साइड है इसको ज्वाइन कर लेंगे, दोनों भी साइड को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों मैनी की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो फ्रेंड, दोनों भी साइड से सिलाई हो गई है, इस वाली और इस वाली दोनों साइड से हमने सिलाई कर ली है। अब ये जो नीचे की साइड है, अगर आप चाहो तो आप इसे डबल फोल्ड कर सकते हो, अगर नहीं चाहो इस तरह से मेरी आप पैकिंग साइड आ गई है तो मैं इसे अगर सिंगल फोल्ड करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसे इस तरह से सिंगल फोल्ड करने वाली हूँ। अगर आपका कपड़ा मतलब थोड़ा इस रॉन्ग साइड से आ रहा है तो आप इसको इस तरह से
डबल फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इसे इस तरह से सिंगल फोल्ड करने वाली हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसकी भी हम एक सिंगल फोल्ड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, दोनों साइड से एक एक सिलाई हो गई है मेरी फोल्डिंग में। यहाँ से भी हमने सिलाई लगाई। अब हम इसको इस तरह से बीच में बनाते हैं और इस तरह से ये बीच में आ गई है। अब ये जो हमारी साइड है, यहाँ पर हमें हम हमेशा मतलब बहुत बार पट्टी लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर को सीधे इलास्टिक का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये हमने इलास्टिक ली है और ये मैंने इस कमर जितनी थी उससे 2-3 इंच कम ली है इलास्टिक। ये बिल्कुल हल्की इलास्टिक है, जल्दी से स्ट्रेच होती है। अब हम इसको एंटर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से इसे एक साइड में रखेंगे, मैं जैसे रख रही हूँ। या फिर आप अगर आप ऐसा आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप सबसे पहले इस तरह से ये डबल फोल्ड की सिलाई लगा लें सब तरफ, और उसके बाद फिर इलास्टिक को इस तरह से रखकर इसे हम इस तरह से फोल्डिंग वाली सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो आप ऐसे ही पहले एक सिलाई लगा लीजिए सब तरफ से। ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपली तरीके से मैंने इसे एक साइड से सिल लिया है। इसमें अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड साइड से इसे सिलाई लगानी है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच करके हमें फोल्ड करना है बिल्कुल। तो स्ट्रेच हम करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो बस याद रखें कि सब तरफ से इसी सिलाई बिल्कुल बराबर से लगती रहे। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड करके हम इसके और एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल इसके नज़दीक वाली सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड में। ये देखो फ्रेंड्स, इसे मैंने सिंपली अटैच कर लिया है। अब हम इसकी मैनी में सिलाई लगा लेंगे, आसन में जो भी है। तो हम इसमें इस तरह से इसे त्रिकोण में सिलाई लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधे की ओर फोल्ड करते हैं, सीधे की साइड करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल ब्यूटीफुल हमारी ये शॉट बन गई है। ये बिल्कुल और बहुत ही सिंपल शॉट है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल 10 मिनट में आपकी शॉट्स रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए एक फूल लगा लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, सिंपल सा मैंने इस तरह से एक फूल लगा कर इसे डेकोरेट किया है। तो ये हमारी शॉट्स बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।